विजय शाह जी का भी स्वागत करें और उन्होंने स्वागत कराने की बजाय अपनी माला पूज्य जगत गुरु के चरणों में समर्पित कर दी है, पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करती है। और यह अनूठा पल, इस आयोजन के हम सर्वोच्च शिखर तक पहुंच चुके हैं। हम दो बहुत विशिष्ट संबोधन अभी सुनने वाले हैं, उसके पूर्व मुख्यमंत्री जी और राजपीठ की दूसरी विभूतियां विराजमान हैं। मैं संक्षिप्त परिचय इस आयोजन का उनके समक्ष रख दूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बुंदेलखंड की धरती पर बागेश्वर धाम की सिद्ध पीठ पर हो रहा महाशिवरात्रि का ये महाविवाह महोत्सव इस धरती के लिए अभूतपूर्व है। जब मैं अभूतपूर्व कहता हूं तो मैं कोई शब्द माधुर्य नहीं रच रहा हूं, एक सत्य के साथ कुछ प्रमाण भी प्रस्तुत कर रहा हूं। आज के पूर्व कभी इस धरती पर एक साथ 125 बेटियों के विवाह नहीं हुए हैं। आज के पूर्व भारत के विभिन्न कोनों से इतने महापुरुष, इतने महात्मा बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं, और आज के पूर्व कभी भी बेटियों के विवाह में 5 से 10 लाख लोग, जिन्हें घराती और बराती बोलेंगे, वो भी कभी एकत्रित नहीं हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये आयोजन गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों ही दृष्टि से बहुत ही अभूतपूर्व है। हम विनम्र आग्रह करते हैं, सबसे पहले परम पूज सद्गुरुदेव भगवान के संबोधन के लिए कि वो अपना आशीर्वचन दें। उनका आशीर्वचन सुनकर, क्योंकि उनको सुनने के लिए सभी के कान काफी घंटों से लालायत हैं, इस आयोजन पे उनके आशीर्वचन को हम सुनेंगे। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय धीरसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। लाल देह लालील से अरुधरि लाल लगू वज्र देह दान दलन जय 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 कपीसु तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर मात पिता गुरु संत मानुष ना जानिए यह सब है नंद किशोर। तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास और कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसी दास। संत भगवान की बागेश्वर धाम की, अपने अपने मताई बाप की, पूज मलुक पीठ वाले महाराज जी की, पूज श्री गोरी लाल कुंज वाले महाराज जी की, पूज श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी की, हटा वाले महंत जी की, पूज श्री आचार्य चरणबिंद संजीव कृष्ण ठाकुर जी की, पूज श्री आचार्य चरणबिंद बड़े ही अद्भुत पूज्य श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी की, पूज्य श्री आचार्य हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री राज राजेश्वर महाराज जी की, हरिद्वार वाले महाराज जी की, सब संतन की, यहाँ मंच पर विराजमान बागेश्वर धाम के सभी पागलों की, सामने बैठे बुंदेलखंड के कक्का हरण की, साधु जी सितारा, अरे जोर से बोलो साधु जी सितारा। पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी,
पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी, बद्रीनाथ वाले महाराज जी, आज मानो ऐसा लग रहा सब तीर्थ एक साथ बागेश्वर धाम पर उपस्थित हो गए। वृंदावन भी, हरिद्वार भी, बद्रीनाथ भी और बागेश्वर भी, और पूरे प्रदेश की तरफ से यहां के मुख्यमंत्री जी से पूरे मध्य प्रदेश भी आ गए। कितनी अद्भुत बात, कितना अद्भुत क्षण है। विगत 3 साल से कन्या विवाह महामहोत्सव चल रहा, यह चतुर्थ वर्ष है सामूहिक कन्या विवाह महामहोत्सव का। मेरे पागलो, तुम एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, बड़े दिल वाले होते हैं जिनके घर बेटियां होती हैं। बेटियां गरीबों के घर पर, भिकमंगों के घर पर नहीं होती हैं, याद रखना। हमसे कई लोग कहते हैं कि आप और भी काम करवा सकते हो, ये बेटियों के विवाह पर जोर क्यों देते हो। हमने कहा मेरे पागल, हमने अपनी जिंदगी में अपनी बहन के लिए बहुत भोगा है। कितना कष्ट होता है जब घर पर धन ना हो, रुपया ना हो, और अपनी बहन का विवाह करना हो और व्यवस्था ना हो। ऐसी परिस्थिति हमने देखी है। अब भारत में ऐसी परिस्थिति बालाजी ने चाहा तो लौट कर किसी भाई को अपनी बहन बोझ नहीं बनने देंगे। केवल बागेश्वर पीठ नहीं है काम कर रही, साथ में देखो भाई, हम किसी पार्टी के नहीं है, ये बात तो दिमाग से निकाल देना। हम बजरंगबली की पार्टी के हैं, लेकिन हमारे बगल में यहाँ के जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के विराजमान, अभी हम बैठे बैठे चाय पी रहे थे, चर्चा कर रहे थे, बोले गुरुजी अभी अभी हमने एक ऐसी योजना निकाली है कि हर गरीब बेटी को 1,000 रुपया पर महीना दिया जाएगा। हमने तुरंत सबकी तरफ से कह दिया थैंक यू वेरी मच माई डियर। बहुत अच्छा। और आपने भी कहा कि गुरुजी आप भी कन्या विवाह करवा रहे हो, हम भी पूरे भारत को, आप आपको सुनकर अच्छा लगेगा, हम इनकी महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आपने पूरे भारत को एक नई लाइन दी है, कन्या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जो मध्य प्रदेश से ही प्रारंभ हुई थी पहले नंबर, फिर अन्य प्रदेशों ने इस बात को फॉलो किया था। अब देखो, कोई ऐसा काम करे तो धन्यवाद और आशीर्वाद का पात्र तो है ही है। तो हमने बहुत करीब से देखा कि गरीबी क्या होती है। एक बार दो व्यक्ति बैठे थे, आपस में बात कर रहे थे, एक सज्जन ने कहा अरे तुम्हारे घर पर तो बेटियां ही बेटियां हैं, हमारे घर पर तो 4-4 बेटे हैं, तुम्हारे घर पर तो बेटियां भगवान ने दी हैं, पता नहीं भगवान तुमसे क्यों नाराज है। एक छोटी सी बच्ची थी 5 साल की, वहीं खड़ी थी, नन्ही सी तोतली सी बच्ची, बड़ी मीठी मीठी वाणी में बोली अंकल 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 ध्यान देना, बेटियां भिकमंगों के घर नहीं, जो दान देने की क्षमता रखता ऐसे सहनसाय के घर होती है। जहां इतना कहा सोई आंख भर आई। और मेरे साधु जनों, बागेश्वर धाम पर आज जितने भी समूचे भारतवर्ष के हमारे बड़े ही प्रिय, जो हमें संसद में ले गए थे राज राजेश्वर जी, प्रिंस चार्ल्स के रिप्रेजेंटेटिव साइमन ओमंस, ये भी बैठे हैं, इनके साथ हमने लंदन की संसद में भी झंडा सनातन का गाड़ा है। हमने नहीं, संतों ने गाड़ा है, हम तो माध्यम थे। बालाजी ने चाहा आप सब साथ रहे तो सनातन धर्म का झंडा, धर्म से केवल धर्म की बात नहीं, सामाजिक समरसता की बात भी अब पीठों से होगी। और हम सब हिंदू एक हों, ऐसी भावना के साथ हम सब आगे बढ़कर पूज्य आचार्य महाराज जी के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे। अभी तो आपको जाना है महाकालेश्वर, तो आपने कहा कि हमको गुरुजी वहां भी करना, आज व्रत भी, तो हमने कहा ठीक है। और अभी आपकी दो बातें सुनकर अभी 21 बेटियों को उनका बरमाला होगा, फिर क्रम चलता रहेगा, हम नहीं उठेंगे। पूज्य महाराज जी थोड़ा विश्राम करने जाएंगे, फिर आ जाएंगे कथा के लिए, और शाम तक हम यहीं बैठेंगे और फिर आपको खूब प्रवचन सुनाएंगे।
और हमारे प्रिय गोविंद नामदेव जी भी बैठे, सुमन तलवार, ये सब बागेश्वर धाम के चेला हैं, फिल्मों में जरूर हैं, लेकिन ये पक्के सनातनी हैं और सच्चे सनातनी हैं। हाँ, तो खूब बागेश्वर बालाजी की कृपा आप सब पर बनी रहे, और इन सब बेटियों को जितने भी भाई बनकर पिता बनकर आए हैं आप सब आशीर्वाद दो। आज हम गौरवान्वित हैं इन आचार्य चरणों की चरण धूलि के प्रताप से कि हम तो नहीं, ये संत मिलकर, पूरा बागेश्वर परिवार मिलकर 125 बेटियों का विवाह करवा रहा। और केवल विवाह नहीं, बागेश्वर धाम पर दुआ और दबा दोनों मिलेगी, बहुत जल्दी कैंसर हॉस्पिटल भी बनेगा जो बुंदेलखंड के लिए अद्भुत होगा। हम थोड़ी बनवाएंगे, अब हमारे बजरंगबली ने पकड़ रखे हैं बड़े बड़े लोग बगल में बैठे। हाँ, वो पूंछ घुमाएंगे, हनुमान जी पूंछ घुमाएंगे, सो लंका तक शंका नहीं है। हाँ, जब ऐसे संत आशीर्वाद देते हैं तो जय जयकार होती है, नालायक भी बोलने लायक हो जाता है। खूब कृपा बनी रहे, ज्यादा समय नहीं गवाएंगे, और अब बेटियों को, हमारी बेटियों को बुलाओ। आज ये लक्ष्मी और नारायण का रूप है, और मुख्यमंत्री जी तो पूरे प्रदेश के मम्मा है बेटियों के, और मम्मा से कहेंगे अब अपनी भांजियों को प्रणाम भी करें और इनको शुभ आशीर्वाद भी देवे, ताकि हाँ आ जाओ, लाओ लाओ, ताकि जो है यहीं से प्रणाम कर लो आप, बेटियां आए। हाँ, तो अब जो है वरमाला होगा, पहले उद्बोधन है, ठीक है ठीक है, आने दो तब तक। सियावल रामचंद्र की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो, आचार्य चरण की, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की जय हो। अब हम वाणी को विराम, फिर बोलेंगे बाद में, क्योंकि हमारा इंजन गर्म होता है तो रुकता नहीं है, तो हम फिर बाद में बोलेंगे। अभी जो है पूज्य महाराज जी सब संतों का आशीर्वाद ले लिया, अब जो है आगे का क्रम बढ़ाया जाए। जय सियाराम। अगर हम उल्टा कर दिए हो तो तुम सीधा कर देना। जी 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 जी, बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन, और जिन पलों का हम इंतजार कर रहे थे वो पल नजदीक है, बेटियों के आशीर्वाद का पल है। मैं बस 2 मिनट और लूंगा ताकि ये व्यवस्थित हो जाए। सारी बेटियां जो हैं 21 जोड़े समक्ष में अभी विराजमान हो जाएं, अभी विराजमान हो जाएं, आशीर्वाद के लिए खड़े हो जाएंगे, अभी विराजमान हो जाएं सभी जोड़े सामने, अभी यहां आराम से बैठ जाएं। संख्या का ध्यान रखें ताकि मंच पर अव्यवस्था ना हो, उतने ही जोड़े आए जितने इस तरफ से उस तरफ तक एक पंक्ति में समा सकें और विराजमान हो जाएं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहां विराजमान हैं, तो इस विराट कन्या महोत्सव के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी मैं देना चाहता हूं, तब तक ये व्यवस्थित हो जाएं। आज 125 विवाह यहां पर आयोजित हो रहे हैं, ये विवाह बागेश्वर धाम परिवार के लोग परम पूज्य गुरुदेव भगवान के नेतृत्व में करने जा रहे हैं, और सुबह से ही ये आयोजन चल रहा है। इस विवाह समारोह में संपूर्ण बुंदेलखंड की 125 बेटियां हैं जिन्हें चिन्हित किया है विभिन्न मापदंडों पर, इनकी आर्थिक पृष्ठभूमि पर, इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर। आपको जानकर खुशी होगी कि इन 125 जोड़ों में हमने ऐसे मापदंडों के अनुरूप परिवार चुने हैं जो बेहद जरूरतमंद थे। इनमें से 58 बेटियां ऐसी हैं जिनके माता या पिता नहीं हैं। इनमें से 2 बेटियां ऐसी हैं जो दिव्यांग हैं, और शेष सभी परिवार ऐसे हैं जो बेहद अभावग्रस्त जीवन में जी रहे थे, लेकिन आज ये बेटियां अपने सौभाग्य पर इतरा रही होंगी क्योंकि उनके विवाह में प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत के कोने कोने से महापुरुष और लगभग 5 से 7 लाख बाराती घराती सम्मिलित हुए हैं। तो स्वागत कीजिए इन पलों का, और मैं आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का, कि वे इस अनूठे अभूतपूर्व आयोजन पर अपने विचार रखें। आदरणीय शिवराज जी। बोलिए, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बागेश्वर धाम की, सदगुरु देव की, संत समाज की, हर हर महादेव। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए
जिन्होंने देह धारण किया है, ऐसे हमारे परम पूज्य संतगण मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। सदगुरुदेव भगवान हमारे बीडी शर्मा जी यहां उपस्थित, सबसे पहले मेरी भांजियां जो आज दाम्पत्य सूत्र के बंधन में बंध रही है, और लाखों की संख्या में उपस्थित आप सब ऐसे भक्त हैं जो बालाजी के दर्शन करके लोक कल्याण के भाव से यहां पधारे। मैं आप सबके चरणों में भी प्रणाम करता हूं। सिया राम मैं सब जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन आज मेरा मन आनंद से भरा हुआ है, और इसलिए भरा हुआ है कि बचपन से मैं भी गांव में पैदा हुआ महाराज जी, छोटा सा गांव, मेरा भी जैत, हम भी जैत में पैदा भाई, और पढ़े भी सरकारी स्कूल में ही है भैया, कोई पब्लिक मतलब स्कूल में नहीं पढ़े। तो बचपन से हम ये देखते थे कि बेटा और बेटी के बीच भेद होता है, बेटा ज्यादा लाडला होता है और बिटिया कम प्यारी होती है। कई बार तो बेटियां कोख में मारी जाने लगी स्थिति पैदा हुई, तब मन में वेदना होती थी महाराज जी कि हे भगवान वो दिन कब आएगा जब बेटा और बेटी बराबर माने जाएं। बीच में महाराज जी मैं विधायक बन गया। मैं आज कन्या विवाह के अवसर पर वो घटना सुनाना चाहता हूं। पदयात्रा कर रहा था, हम तो पांव पांव भी खूब घूमे, तो एक गांव में गए तो बेटी की शादी थी, अनाथ थी, तो गांव के लोगों ने कहा कि आप विधायक हो, बिटिया की शादी का इंतजाम करवा दो, सरकारी सहायता दिलवा दो, इसके माता पिता नहीं है। तो मैंने कहा शादी कब है, बोले परसों ही है। मैंने कहा सरकारी सहायता में तो बरसों लग जाएंगे। और तभी मन में भाव आया क्या एक शादी हम नहीं कर सकते, और उस बिटिया की शादी अपने मित्रों के सहयोग से की, तो इतना आनंद प्राप्त हुआ मैं उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद फिर हमने महाराज जी क्रम शुरू किया, हमारे क्षेत्र की जो निर्धन बेटियां थी उनके विवाह का मित्रों के सहयोग से, और मुख्यमंत्री बनते ही महाराज जी सबसे पहली योजना मैंने कोई बनाई तो उस योजना का नाम था मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। और मध्य प्रदेश की धरती पर हजारों शादी सरकार क्यों ना करे, सरकार की ड्यूटी है, धर्म है कि बिटिया की शादी अगर माता पिता ठीक से नहीं कर सकते तो सरकार शादी करे, इसलिए मुख्यमंत्री कन्या दान योजना बनी। और उसके बाद सारे संत यहां बैठे हैं उनके चरणों में मैं निवेदन करना चाहता हूं, लाडली लक्ष्मी योजना बनी जिसमें तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिटिया पैदा होगी तो वो लखपति होगी, लखपति बोझ नहीं बनेगी वरदान बनेगी। उसमें से लाडली लक्ष्मी योजना है, मैं उसमें ज्यादा समय नहीं लगाता, सबको पता है मध्य प्रदेश वालों को 44 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा से लेकर सारा इंतजाम भगवान की कृपा से सरकार करती है। लेकिन अभी मैं महाराज जी से कह रहा था, महाराज जी आज महाशिवरात्रि है, शिव और शक्ति जब तक दोनों मिलकर सशक्त नहीं होते तब तक कल्याण कभी देश का भी नहीं होगा और संसार का भी नहीं होता। इसलिए एक भाव मेरे मन में आया कि हमारी बहनें सशक्त होनी चाहिए, क्योंकि बहनें सशक्त तो प्रदेश सशक्त, प्रदेश सशक्त तो देश सशक्त, और फिर हम भी तो भैया है, जब बेटियों के मामा है तो बहनों के भैया भाई के नहीं भाई, तो बहनों के भैया है लाने में करेगी, परिवार को मजबूत बनाएगी, कभी पतिदेव को भी जरूरत पड़ गई तो आज तो वो मांगने वाली है, दे दो 100 रुपया 200 रुपया, और कई बार पति की डांट भी खा लेती चल नहीं है, लेकिन वो पैसा बचा के रखेगी तो वक्त बे वक्त जरूरत पड़ेगी तो पतिदेव से भी कहेगी कि ले ये रखे ले जाओ, उनका काम भी चला देगी और सास बहू का प्रेम भी बढ़ जाएगा,
सासू जी कहेगी हर महीना 1000 रुपया आ रहा है तो बहुए भी घी चुपड़ी रोटी खुआओ। महाराज जी आज बेटियों को देख के मुझे ये प्रसंग याद आ गए। मैं आपको प्रणाम करता हूं, सब संतों को प्रणाम करता हूं। और देखो भैया, भगवान को प्राप्त करना जीवन का अंतिम लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति। और भगवान कैसे प्राप्त होंगे? ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग, तीन मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान मार्ग यहां बैठे, जो सही रास्ता हमको बताए वो है ज्ञान मार्ग, वो संत ज्ञान मार्ग ही है, वो भगवान को प्राप्त करते हैं। दूसरे हैं भक्ति मार्ग। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी का दरबार लगा था, मैया सीता भैया लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अंगद नल नील जामवन हनुमान दुविद सब बैठे थे। अचानक सीता जी बोली कि वैसे तो मुझे सभी पुत्र बहुत प्यारे, लेकिन पुत्रों में भी पवन पुत्र की महिमा का तो मैं वर्णन नहीं कर सकती। और ये कह के सीता मैया ने कहा, आज अयोध्या की सबसे कीमती माला मैं बजरंग को भेंट करना चाहती हूं। और ये कह के अपने गले से मोतियों की एक माला निकाली और हनुमान जी की गोद में डाल दी। कहा, बेटा ये अयोध्या की सबसे कीमती माला है। हनुमान जी ने माला उठाई, उल्टी पलटी देखी और फिर माला तोड़ डाली। तोड़ के एक मोती निकाला, देखा तोड़ा फेंक दिया। दूसरा मोती निकाला, देखा तोड़ा फेंक दिया। तीसरा मोती निकाला, देखा तोड़ा फेंक दिया। दरबार आश्चर्यचकित, बजरंग को हो क्या गया? इतने प्रेम से मैया ने मोतियों की माला दी, ये तोड़ तोड़ के फेंक क्यों रहे? मैया बोली, बेटा बजरंग बात क्या है, तू माला तोड़ के फेंक क्यों रहा है? तो बजरंग मुस्कुरा दिए, मैया तू भी झूठ बोलती है। तो सीता जी ने कहा, मैं और झूठ? दरबार फिर आश्चर्यचकित रह गया कि बजरंग सीता जी से कह रहे हैं कि मैया तुम भी झूठ बोलते हो। सीता जी ने कहा, बेटा मैंने क्या झूठ बोला? बोले, मैया तू तो कहती थी ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बोले, बेटा अभी भी कह रही हूं ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बजरंग मुस्कुराए और कहने लगे, भैया अब भी झूठ बोल रही है? अरे मेरे लिए तो कीमती वो है जिसमें मेरे भगवान श्री राम रहते हो, जिसमें मेरी मैया सीता निवास करती हो। और मोती तोड़ तोड़ कर देख रहा हूं, ना तो कहीं भगवान राम दिखाई दे रहे ना मैया सीता दिखाई दे रही है, इसलिए बेकार समझ के फेंक रहा हूं। एक खड़े हो गए दरबार में, बजरंग क्या उसी चीज से प्यार करते हो जिसमें भगवान राम और सीता रहते हो? बोले, हाँ। तो बोले, शरीर से प्यार करते हो कि नहीं? बोले, सब करते हैं, मैं भी करता हूं। कहा, बताओ तुम्हारे शरीर में कहां राम और सीता है? तो कहते हैं, भरे दरबार में बजरंग ने सीना चीर दिया और सारे दरबार ने देखा कि भगवान राम और सीता हनुमान जी के हृदय में जो चलते हैं वो भगवान को प्राप्त होते हैं। लेकिन भैया अपन ठहरे ग्रस्त गरीब मध्यम वर्गी, तो एक मार्ग और संतों ने बताया, वो है कर्म मार्ग। जिसकी तरफ जो काम तय है वो मेहनत ईमानदारी से करते चलो, भगवान मिल जाएंगे। अगर किसान है अन्न उत्पादित करे, अगर कर्मचारी है तो ईमानदारी से लोगों के काम करे, डॉक्टर है तो बीमारों का इलाज करे, और नेता है तो हवाला घोटाला बेईमानी ना करे, ईमानदारी से जनता की सेवा करे, तो परमपिता परमात्मा मिल जाएंगे। लेकिन बागेश्वर धाम तो ज्ञान कर्म और भक्ति का त्रिवेणी संगम दिखाई दे रहा है। यहां जितने सेवा के काम आपने सोचे, मैं आपका अभिनंदन करता हूं मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से। आपका संकल्प है गौशालाओं का किसान भी गाय बांधे, केवल गौशाला नहीं, आपका संकल्प है धर्म के प्रचार का, कैंसर हॉस्पिटल का, ये पवित्र संकल्प है। मैं संकल्प को प्रणाम करता हूं और सचमुच मैं आज बेटियों के इस विवाह में आके मैं अपने आप को धन्य अनुभव कर रहा हूं। अपनी बिटियों को भांजियों को मैं आशीर्वाद भी देता हूं। आशीर्वाद तो संत देंगे, मैं तो यही कहता हूं, मामा की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। ये हमेशा सुखी रहें, इनका मंगल हो, इनका कल्याण हो, कभी तुम्हारे पांव में भी कांटा ना गड़े। बालाजी भगवान से भी यही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बालाजी भगवान की, बागेश्वर धाम की, धर्म की।
अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, हर हर महादेव।